हे गाइस, वेलकम बैक। स्मार्टफोन ड्यूरेबिलिटी अवार्ड 2019 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखते हैं कौन से फोन आज किस तरीके का अवार्ड ले जाते हैं, कौन से फोन सबसे ड्यूरेबल निकले, कौन से वर्स्ट निकले, कौन सा ब्रांड यू नो इन ट्रैक रिकॉर्ड में सबसे अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी में कौन सा पुअर है, कौन सा फोन सबसे कॉस्टली है रिपेयर करना, कौन सा फोन सबसे बेटर है। आप सभी ने मेरे टेस्ट देखे होंगे, तो मेरे कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जैसे कि स्क्रैच टेस्ट, यू नो उसके बाद स्प्लैश टेस्ट, देन बेंड एंड डिस्टॉर्शन, एट द लास्ट ड्रॉप टेस्ट होता है। तो अगर फोन एक से ज्यादा कैटेगरी में फेल हो जा रहा है तो वो फोन आता है मोस्ट पुअर कैटेगरी में। आई मीन जैसे कि बैंड में भी फेल हो गया, ड्रॉप में भी फेल हो गया, तो ऑब्वियसली वो फोन काफी वीक है। और ज्यादातर फोन यू नो जो स्क्रैच, वाटर और बैंड टेस्ट पास करते हैं और ड्रॉप टेस्ट में फेल होते हैं, फिर भी कोई फ्लॉ है तो वो हम सॉर्ट ऑफ पास मान सकते हैं, लेकिन अगर ड्रॉप डेड हो जाते हैं तो वो फोन भी कंप्लीटली फेल माने जाते हैं। और मेरी टेबल इटसेल्फ अटनी पारी, तकरीबन 15 से 18 फोन मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वो आ नहीं पा रहे हैं मेरे कैमरे के व्यू फाइंडर में, बट आप सभी ने टेस्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा। और मेरा टारगेट इस साल का 100 फोन्स ट्राई करने का था, जो मैं मीट नहीं कर पाया। मैंने आई गेस अराउंड 68-70 फोन ट्राई किए हैं, कुछ वीडियोस यूट्यूब से डिलीट हो गए हैं, कि नो मे बी जिस कंपनी का फ़ोन था शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने यूट्यूब से कहकर डिलीट करा दिया। ट्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन अब आप ईयर के एंड में समरी निकालिए तो पता चलता है कि हाँ कुछ वीडियोस तो डिलीट हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से फ़ोन सबसे बेस्ट निकले आज के इस ड्यूरेबिलिटी अवार्ड में। फर्स्ट कैटेगरी में हम देखते हैं मोस्ट ड्यूरेबल फोन्स, मतलब वो सभी फ़ोन जो चारों टेस्ट में मेरे पास हुए हैं और यू नो टेस्ट के बाद भी, जैसे मैं पर्सनली अगर मैं यूज़ किया उसके बाद भी अगर कभी गिर गए या मुड़ गए तो उसके बाद ही अभी भी परफेक्टली वर्किंग है। तो यहाँ पे मैं दो कैटेगरीज डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि फोन्स जनरली दो टाइप से मैन्युफैक्चर होते हैं। 19 में आपने देखा होगा मेटल फोन्स का ट्रेंड खत्म हो गया है, जैसे कि लास्ट ईयर हमने कहा था, और इस साल के ट्रेंड में या तो ग्लास या तो पॉलीकार्बोनेट, काफ़ी ग्लॉसी यू नो प्लास्टिक डिज़ाइन, ये ट्रेंड चला है। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी पिक करें ग्लास बेस्ड फोन में, जिनमें यानी कि यू नो बैक पैनल ग्लास का था, तो कौन से फ़ोन सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल निकले? तो मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन जिसको मैं दूंगा इस साल जो ग्लास बैक पैनल में है वो है एसुस का 6Z, और आप कह सकते हैं एसुस जेनफोन 6। ये फ़ोन तो कंप्लीट टेस्ट में सर्वाइव किया ही, लेकिन यू नो रेगुलर यूज़ करने में विदाउट किसी केस में मैंने इस फ़ोन को 2 से 3 बार हार्ड फ्लोर पर भी एक्सीडेंटली गिराया, यू नो बात करते वक्त या जर्नी में भी, लेकिन अभी भी फ़ोन परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। गोरिल्ला ग्लास 6 की फ्रंट कोटिंग है ना, आई गेस 5 यहाँ बैक में था। तो ये फ़ोन वन ऑफ मेरा बेस्ट फ़ोन है, विथ मेटल डिज़ाइन, मेटल बटन, तो सभी कुछ यहाँ पे काफ़ी सॉलिड है। और उसके बाद अगर हम कुछ और फोन्स में देखें जो बजट में काफ़ी अच्छे रहे हैं, स्पेशली अगर ग्लास बिल्ड में देखा जाए, तो दो फ़ोन मैं स्ट्रेट वे आपको दिखा सकता हूँ। ये है रियलमी XT एंड रियलमी XT, रियलमी X2 अगेन ग्लास बिल्ड का फ़ोन है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं सभी कुछ परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। स्क्रीन निकाल के आपको दिखा देता हूँ, फ़ोन अभी भी ग्लॉसी फिनिश में है। और दो फ़ोन और मैं आपको दिखा सकता हूँ, हुआवे P30 Lite जो मेरे पास नहीं है, वो लॉस्ट हो गया है, और एक और फ़ोन है Redmi Note 8। ये फ़ोन यू नो इस फ्लोर में तो मेरे टेस्ट सेटअप में पास होता है, लेकिन ये मेगा ड्रॉप टेस्ट में फेल हुआ था हाईवे पे, लेकिन उसके बाद भी ये वर्किंग कंडीशन में है। तो फ़ोन अगर ड्रॉप टेस्ट में क्रैक हो जाते हैं दैट इज़ ओके, लेकिन फ़ोन वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग सिंगल फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर आपको फ़ोन गिरते ही डेड हो जाए तो आप कंप्लीटली ब्लाइंड रहेंगे विद स्मार्टफोन, यानी कि आप अपने फ़ोन का बैकअप नहीं ले सकते, आप इमरजेंसी में किसी को कॉल नहीं कर सकते। यू नो ऐसा होता है, सभी लोग बिजी होते हैं, आपको इंस्टेंटली या तो फ़ोन रिपेयर के लिए देना पड़ेगा या तो आपको नया फ़ोन लेना पड़ जाएगा। लेट बी नोटेड अगेन, ब्रेक हो गया, लेकिन फिर भी ये वर्किंग कंडीशन में है तो आप इसको सॉर्ट ऑफ पास मान सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में अगर हम आए उन सभी फ़ोन में जो पॉलीकार्बोनेट बेस में हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉलिड निकले, हमें जिसका बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट का था, तो उसमें से कुछ फ़ोन बहुत ही अच्छे निकले हैं, स्पेशली जैसे कि इन्फिनिक्स ब्रांड के अगर हम फ़ोन देखें तो ये चीप फ़ोन है, अंडर 10 के हैं, लेकिन सुपर स्लिम है, काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी ड्यूरेबल निकले हैं। इन्फिनिक्स S5 लाइट, इन्फिनिक्स S5 एंड अगेन उसके अलावा रियलमी के कुछ फ़ोन हैं जैसे कि रियलमी C2 एंड रियलमी 5, रियलमी 5S एंड आफ्टर दैट सैमसंग गैलेक्सी का एक फ़ोन था गैलेक्सी M20, वो फ़ोन भी काफ़ी सॉलिड ड्यूरेबल फ़ोन था। तो वैसे तो और भी बहुत से फ़ोन हैं
जो काफ़ी सॉलिड फील हुए हैं, लेकिन परफेक्टली ओके नहीं है। जैसे कि वीवो जेडविन प्रो टॉप टेस्ट में तो ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये पहला फ़ोन था जो डिस्टॉर्शन टेस्ट में फेल हुआ था, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। नाउ ये सभी थे फोन्स जो काफ़ी सॉलिड निकले, आई मीन डे टू डे लाइफ में और सभी चीज़ों में। तो अब बात करते हैं कौन से फ़ोन सबसे वीक निकले। तो देखिए, स्क्रैच टेस्ट में मोस्टली सभी फोन्स पास होते हैं, बस हमें कंस्ट्रक्शन देखना होता है। स्प्लैश टेस्ट भी आजकल सभी फोन सॉर्ट ऑफ नैनो कोटिंग में आते हैं, लेकिन अगर फोन डिस्टॉर्शन टेस्ट, बेंड टेस्ट में फेल हो जाता है एंड आफ्टर दैट टॉप टेस्ट में भी फेल हो जाता है, तो वो फोन आते हैं यू नो इस कैटेगरी में जो सबसे वीक निकले हैं। सबसे वीक फोन जो इस साल का निकला है, आई मीन एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन वो था OnePlus 7T। तो ये फोन आपका बेंड टेस्ट में फेल हुआ था एंड ये इसका क्रैक पॉइंट था। आप यहाँ देख सकते हैं, रीज़न ये था कि ये कैमरा बम काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से ये ग्लास में इटसेल्फ यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं रह गई थी, इसीलिए ये फ़ोन आपका फेल हो गया था बेंड टेस्ट में। आफ्टर दैट ड्रॉप टेस्ट में तो ये फेल है, लेकिन फिर भी अभी भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड उसके अलावा एक फ़ोन और जो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ था इस साल, स्पेशली डिस्टॉर्शन टेस्ट में, बेंड टेस्ट में, देन आफ्टर दैट ड्रॉप टेस्ट में, वो है रेडमी नोट 8 प्रो। यहाँ से ये फ़ोन देखिए क्रैक हुआ था, ये पॉइंट ऑफ क्रैक आप देख सकते हैं। तो ये फ़ोन भी मोस्ट यू नो फ्रेजाइल फ़ोन और वीक फ़ोन में आप कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ़ोन और हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुए हैं, अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि Redmi Y3। आई मीन ये सभी फ़ोन हैं जो बेंड टेस्ट और डिस्टॉर्शन में भी फेल हुए हैं, उसके बाद ये ड्रॉप टेस्ट में फेल हुए हैं, तो इसीलिए ये फ़ोन ज़्यादा यू नो फेल कैटेगरी में आ रहे हैं। जैसे कि Redmi Y3 काफ़ी कर्व्ड फ़ोन हो गया है। एंड आफ्टर दैट एक फ़ोन और है, वो भी आप देख सकते हैं, Redmi Go। अब आप कहेंगे 5,000 के फ़ोन ड्यूरेबल नहीं होते हैं, तो आप Nokia 1 देख सकते हैं, ये भी काफ़ी सॉलिड बैंड फ़ोन था, बस ड्रॉप में फेल हुआ, लेकिन अभी भी स्क्रीन वर्किंग है। तो रेडमी गो भी अगेन एक फेलियर फ़ोन था इस साल का बजट में। एंड आफ्टर दैट LG ने भी ट्राई किया था एक फ़ोन बनाने के लिए, जो था LG W30, और ये फ़ोन भी आप खा देख सकते हैं कम्प्लीटली बैंड टेस्ट में फेल हो गया था। तो ये सभी कुछ फ़ोन हैं जो इस साल में काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुए हैं। एंड आफ्टर दैट आई गेस एक ही फ़ोन और था जो डिस्टॉर्शन टेस्ट में फेल हुआ था, Vivo Z1 Pro, लेकिन अगर आप बचा सकते हैं बैंड से तो ठीक है। वैसे तो और भी फ़ोन फेल हुए हैं ड्रॉप टेस्ट में, जैसे कि OnePlus 7 Pro और Asus ROG Phone 2, जैसे ये है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाइज काफ़ी सॉलिड है, बैंड प्रूफ फ़ोन था, बट स्टिल फेल ऑन द ड्रॉप टेस्ट, सो सॉर्ट ऑफ आप उसको फेल मान सकते हैं। नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी है वीकेस्ट ब्रांड, आई मीन यू नो जनरली जैसे एक ब्रांड के मैंने 7 से 8 स्मार्टफोन की ड्यूरेबिलिटी ट्राई की, और अगर एक को छोड़ के सभी फेल हुए हों, तो आई मीन ट्रैक रिकॉर्ड अगर 90% के अराउंड फेलियर है, तो ऑब्वियसली वो ब्रांड आप वीकेस्ट ब्रांड कह सकते हैं। और ट्रेंड इस साल चेंज हुआ है, आपको याद होगा मैंने लास्ट ईयर कहा था कि हुवावे के फ़ोन, ऑनर के फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल थे, जैसे कि Honor 8X, और भी फ़ोन हमने ट्राई किए थे ऑनर के, बहुत अच्छे थे। Motorola One Power को हमने अवार्ड दिया था लास्ट ईयर का बेस्ट बजट ड्यूरेबल फ़ोन था, लेकिन इस साल हिस्ट्री चेंज हो गई है। तो अगर वीकेस्ट ब्रांड मैं बताऊँ आपको इस साल का, वो है सैमसंग। लास्ट ईयर भी था, अभी भी है, सैमसंग का अभी तक एक ही फ़ोन पास हुआ है, Galaxy M20 इस साल में। उसके अलावा जितने भी फ़ोन हमने ट्राई किए हैं, ए सीरीज़, एम सीरीज़, फ्लैगशिप फ़ोन, सभी फेल हुए हैं। तो वीकेस्ट ब्रांड है सैमसंग, बट फन पार्ट क्या है कि मैं खुद सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता हूँ कुछ अगर रीज़न की वजह से। उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ जैसे मैंने बताया, एंड ऑनर के फ़ोन भी इस साल काफ़ी फेल हुए हैं, इवन दो ऑनर कुछ फ़ोन सॉलिड भी हैं, लेकिन जो बड़े फ़ोन ऑनर के फ़ोन बड़े होने लगे हैं, जैसे कि Honor 9X, अगेन इसका कंस्ट्रक्शन अच्छा है बट बिगेस्ट फ्लॉ है, तो Honor 9X का आप ड्यूरेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। एंड Y9 2019 भी फेल हुआ था, और दो फ़ोन ऑनर के और से मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो ऑनर के फ़ोन का ट्रैक रिकॉर्ड बदल गया है, तो ये आई गेस 40% फ़ोन पास हैं, 60% फेल हैं। मोटोरोला के फ़ोन हमने 3 फ़ोन ट्राई किए हैं इस साल, जैसे कि मोटोरोला G8 Plus, मोटोरोला वन एक्शन, एंड एक फ़ोन कोई और था मुझे नाम नहीं आता रहा है। तो मोटोरोला के फ़ोन भी अब वीक होने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने मेटल से ग्लास पे और पॉलीकॉर्नर पे स्विच कर लिया है, तो जो अगेन फ़ोन को बैंड फेल बना सकते हैं। वन प्लस इट सेल्फ ऐसे ब्रांड भी फेल होने लगा है, क्योंकि लास्ट ईयर वन प्लस ने आई गेस लास्ट ईयर से ग्लास फ़ोन बनाने लगे, OnePlus 5T आई गेस लास्ट फ़ोन था मेटल से, लेकिन जैसे कि OnePlus 7 Pro ड्रॉप टेस्ट में फेल था, OnePlus 7T,
आपका बैंड टेस्ट में फेल हो गया एंड आफ्टर दैट ड्रॉप टेस्ट में भी। और एक और रीज़न है यू नो कि ये फ़ोन मैं क्यों कह रहा हूँ वीक ब्रांड है, वो है रिपेयर में। मैं आगे बताता हूँ कौन कौन से फ़ोन आपके सबसे कॉस्टली रिपेयर में होते हैं। Xiaomi के फ़ोन का भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी पुअर है, जितने भी मोस्ट फ्रेजाइल फ़ोन आपने देखे वो सभी Xiaomi के आते हैं। कुछ ही फ़ोन Xiaomi के अच्छे निकले हैं, जैसे कि Redmi Note 8 कंस्ट्रक्शन में अच्छा था, फ्लैट ग्लास था जो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है कर्व्ड ग्लास बैक पैनल के। तो ये सभी ब्रांड्स हैं कुछ जो काफ़ी वीक निकले हैं इस साल में। नेक्स्ट कैटेगरी जाती है यू नो ड्यूरेबल्स ब्रांड के अवार्ड में, मतलब जिन फोन्स के ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छे हैं 90% टाइम वो पास होते हैं। तो ऑब्वियसली आपने गेस कर लिया होगा रियलमी के हमने बहुत से फ़ोन ट्राई किए हैं एंड सभी आपके पास हुए हैं। आप देख सकते हैं XT, X2, C2, Realme 5, 5S, 3i ज़्यादातर फ़ोन पास हुए हैं, लेकिन फेल्ड फ़ोन में Realme के जैसे कि Realme X2 Pro एंड Realme X भी फेल हुआ था। आई डोंट नो कहाँ है Realme X, ये रहा Realme X। तो कुछ फ़ोन फेल हुए हैं लेकिन ज़्यादातर फ़ोन पास हुए हैं। Infinix ब्रांड के फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल निकले हैं इस साल, ज़्यादातर फ़ोन पास हुए हैं, शायद एक फ़ोन फेल हुआ है लेकिन सभी फ़ोन मोस्टली पास हुए हैं। एंड अगेन ड्यूरेबल ब्रांड में नोकिया भी आता है, क्योंकि नोकिया के कुछ फ़ोन काफ़ी अच्छे निकले। नोकिया 7.2 बैक पैनल क्रैक है लेकिन फ्रंट डिस्प्ले और बैंड सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छा है। एंड नोकिया 6.1 प्लस भी बैक ग्लास क्रैक लेकिन विथ मेटल्स में काफ़ी अच्छा है। कुछ हमने बजट फ़ोन ट्राई किए जैसे कि 8110, ये भी काफ़ी सॉलिड निकला। ओप्पो के फ़ोन भी ड्यूरेबल निकले हैं, मैंने दो ओप्पो के फ़ोन ट्राई किए हैं जैसे कि ओप्पो K3 एक फ़ोन होगा, ये भी AMOLED डिस्प्ले लेकिन इटसेल्फ अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। Vivo के फ़ोन भी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं निकले हैं, स्पेशली जैसे कि Vivo U20 रिसेंटली फेल हुआ, Vivo Z1X, Vivo Z1 Pro, तो Vivo के भी ज़्यादातर फ़ोन फेल हुए हैं इस साल। कुछ ब्रांड्स ने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे भी किया है कि जिन्होंने कुछ स्मॉल इनोवेशन किए हैं जो रियली काफ़ी कूल और हेल्पफुल हैं। उसमें से एक ब्रांड तो आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा, जैसे कि Asus ZigChat, ये मोटराइज फ्लिप कैमरा मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। यू नो आप खुद सोचिए कि अगर आपको 48 मेगापिक्सल की सेल्फी लेने को मिल जाए एंड विदाउट एनी नॉच, एंड उसके अलावा OnePlus 70 में काफ़ी अच्छा इनोवेशन है वो ये कि आप ड्यूअल सिम लगा सकते हैं काफ़ी छोटे से सिम कार्ड स्पेस में, जो जनरली सिंगल साइड ही लगता है लेकिन यहाँ पे आप दोनों साइड सिम कार्ड लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी कूल फीचर है। Redmi K20 में भी एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है K20 K20 Pro में, जैसे कि टॉप में आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन LED लाइट मिलती है। किसी भी पॉपअप कैमरा फोन में आप नहीं देखेंगे लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी नोटिफिकेशन लाइट दी गई है जो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा नोकिया 7.2 में भी एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है वो ये कि ये जो नोटिफिकेशन LED है ये पावर बटन में इट्सेल्फ दी गई है, जो ग्लोइंग पावर बटन है ये बहुत ही अच्छा है। अब गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली फ़ोन कौन सा है रिपेयर करने में, क्योंकि मैं फ़ोन्स ख़रीदता हूँ फिर मुझे रिपेयर कराना पड़ता है। अगर मैं देखता हूँ कि फ़ोन की पॉपुलैरिटी अच्छी है एंड यू नो तो मैं उसको रिपेयर ऑब्वियसली कराता हूँ। सैमसंग के फ़ोन बहुत ही कॉस्टली होते हैं क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन्स में AMOLED डिस्प्ले होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, अगर जैसे कि एक फ़ोन था गैलेक्सी A20 11,500 का था, उस फ़ोन का रिपेयर चार्ज था ओवरऑल 8,600 रुपये। अब आप सोचिए 11,500 का फ़ोन और 8,500 रुपये का रिपेयर, तो कितना कॉस्टली यार। जितने फ़ोन का प्राइस है उसका हाफ तो ऑलमोस्ट वो डिस्प्ले में जाता है, बाकी जो अदर डैमेज हुआ उसमें। उसके बाद अगेन वन प्लस के फ़ोन बहुत ही कॉस्टली होते हैं। वन प्लस 7 Pro का मैंने आपको बताया था, वो फ़ोन लिया था मैंने 52,000 का, लेकिन उस फ़ोन को रिपेयर कराने में मुझे लगे थे 24,500 रुपये के आसपास। तो आप सोचिए हाफ प्राइस एग्जैक्टली मुझे पे करना पड़ा रिपेयर कराने, क्योंकि कर्व डिस्प्ले ये सब काफ़ी कॉस्टली होते हैं। और वन प्लस 70 का रिपेयर भी अराउंड पड़ेगा 18,000 से 19,000। तो इसीलिए मैं रिपेयर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं रिपेयर कराऊंगा फ़ोन फिर से गिर के टूट जाते हैं। एंड आफ्टर दैट एक और फ़ोन है जो आप यकीन नहीं करेंगे काफ़ी कॉस्टली है रिपेयर में, वो है नोकिया ब्रांड। तो आप नोकिया 8.1 का रिपेयर चेक कर लीजिएगा, तो ये फ़ोन भी अगेन काफ़ी कॉस्टली है नोकिया के फ़ोन भी रिपेयर करने में। आई डोंट नो विद सम रीज़न डिस्प्ले रिपेयर इनका बहुत ही कॉस्टली होता है, LCD पैनल है फिर भी काफ़ी कॉस्टली है। कॉस्टली ब्रांड में एक और नाम आपको बता दूँ, मोटोरोला के फ़ोन भी बहुत ही कॉस्टली होते हैं रिपेयर कराने में, ये भी अराउंड 70% प्राइस लेते हैं अगर आपका फ़ोन टूट जाता है। तो फ़ोन लेने से पहले ये ब्रांड्स भी ध्यान रखिएगा कि कितना प्राइस लगता है रिपेयर कराने में। अब कॉस्टली ब्रांड तो देख लिए, अब बात करते हैं यू नो चीपेस्ट ब्रांड की। चीपेस्ट तो कोई नहीं लेकिन जिनके प्राइस काफ़ी कम लगते हैं, तो Xiaomi फ़ोन्स को रिपेयर कराने का प्राइस बहुत ही कम होता है। कंपेयर टू अदर ब्रांड्स को देखें तो काफ़ी कम है। रियलमी
ओप्पो, वीवो, इन सभी ब्रांड्स का रिपेयर प्राइस काफ़ी कम है। इन्फिनिक्स के भी फ़ोन आप मैं मिड में कह सकता हूँ, जैसे कि 9000 का फ़ोन है तो डिस्प्ले 3-3.5 ईयर का है तो आप उसको ओके मान सकते हैं, ये भी आप एक तरीके से अच्छे रिपेयर कॉस्ट में मान सकते हैं। राइट द लास्ट गाइस, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं पर्सनली कौन सा फ़ोन यूज़ करता हूँ, जब मेरे पास 60-70 से ज़्यादा फ़ोन पड़े हैं। तो अभी भी मैं पुरानी जनरेशन का पिक्सल 2 यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी भी ठीक है। एंड उसके अलावा OnePlus 7T ब्रोकन एंड एक और फ़ोन है जो मैं आपको कुछ दिन बाद बताता हूँ, सैमसंग का है। एनीवे गाइस, ये था इस साल का ड्यूरेबिलिटी अवार्ड। तो देखते हैं 2020 का ट्रेंड क्या है, पंच होल्स ज़्यादा पॉपुलर होंगे यू नो इंस्टेड ऑफ पॉप अप और ये जो टीयर ड्रॉप होते हैं, और क्या क्या नया इनोवेशन होता है वो भी हम देखते हैं 2020 की ड्यूरेबिलिटी में नेक्स्ट ईयर आज से एक साल बाद। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरी ड्यूरेबिलिटीज़ अच्छी लगती होगी। कोई भी कमेंट सजेशन फीडबैक है प्लीज़ आप शेयर करा करिए, क्योंकि आपको ही देखना है, आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल होते हैं, तो मैं डेफिनेटली उनको ट्राई करूँगा, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, हैव अ ग्रेट डे।